लिसनिंग, लर्निंग, लीडिंग, कनेक्टिंग, कम्युनिकेटिंग, चेंजिंग और रिफ्लेक्टिंग, रिकनेक्टिंग जैसी किताबें आपके बारे में बहुत कुछ बताती हैं। आपके ये अनुभव हमारे युवाओं को गाइड करेंगे और लोकतंत्र को मजबूत करेंगे। आदरणीय राष्ट्रपति महोदय, आपकी किताबों का जिक्र मैंने इसलिए किया क्योंकि उनके टाइटल में आपकी वो शब्द प्रतिभा झलकती है जिसके लिए आप जाने जाते हैं। आपके वन लाइनर्स वीट लाइनर्स होते हैं और विन लाइनर्स भी होते हैं। यानी उसके बाद कुछ और कहने की जरूरत ही नहीं रह जाती। योर ईच वर्ड इज हर्ड, प्रिफर्ड एंड रिवर्ड एंड नेवर काउंटर्ड। कैसे कोई अपनी भाषा की ताकत के रूप में और सहजता से इस सामर्थ्य के लिए जाना जाए और उस कौशल से स्थितियों को दिशा मोड़ने का सामर्थ्य रखे, सचमुच में आपके इस सामर्थ्य को मैं बधाई देता हूं। साथियों, हम जो भी कहते हैं वो महत्वपूर्ण तो होता ही है, लेकिन जिस तरीके से कहते हैं उसकी अहमियत ज्यादा होती है। किसी भी संवाद की सफलता का पैमाना यही है कि उसका गहरा इम्पैक्ट हो, लोग उसे याद रखें और जो भी कहें उसके बारे में लोग सोचने के लिए मजबूर हो। अभिव्यक्ति की इस कला में वेंकैया जी की दक्षता, उस बात से हम सदन में भी और सदन के बाहर देश के सभी लोग भली भांति परिचित हैं। आपकी अभिव्यक्ति का अंदाज जितना बेबाक है उतना ही बेजोड़ भी है। आपकी बातों में गहराई भी होती है, गंभीरता भी होती है, वाणी में बीट भी होता है और वेट भी होता है, वॉन्थ भी होता है और विजडम भी होता है। संवाद का आपका तरीका ऐसे ही किसी बात के मर्म को छू जाता है और सुनने में मधुर भी लगता है। आदरणीय सभापति महोदय, अपने दक्षिण में छात्र राजनीति करते हुए अपना राजनीतिक सफर शुरू किया था। तब लोग कहते थे कि जिस विचारधारा से आप जुड़े थे उसका और उस पार्टी का निकट भविष्य में तो दक्षिण में कोई सामर्थ्य नजर नहीं आता है, लेकिन आप एक सामान्य विद्यार्थी कार्यकर्ता से यात्रा शुरू करके और दक्षिण भारत से आते हुए उस पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष के शीर्ष पद तक पहुंचे, ये आपकी एक अविरत विचार निष्ठा, कर्तव्य निष्ठा और कर्म के प्रति समर्पण भाव का प्रतीक है। अगर हमारे पास देश के लिए भावनाएं हो, बात कहने की कला हो, भाषाई विविधता में आस्था हो, तो भाषा, क्षेत्र,
हमारे लिए कभी भी दीवार नहीं बनती हैं, ये आपने सिद्ध किया है। आदरणीय सभापति महोदय, आपकी कही एक बात बहुत लोगों को याद होगी, मुझे तो विशेष रूप से याद है। मैंने हमेशा सुना है आप मातृभाषा को लेकर के बहुत ही टची रहे हैं, बड़े आग्रही रहे हैं, लेकिन उस बात को कहने का आपका अंदाज भी बड़ा खूबसूरत है। जब आप कहते हैं कि मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, मातृभाषा आंखों की रोशनी की तरह होती है, और आप आगे कहते हैं और दूसरी भाषा चश्मे की तरह होती है, ऐसी भावना हृदय की गहराई से ही बाहर आती है। वेंकैया जी की मौजूदगी में सदन की कार्रवाई के दौरान हर भारतीय भाषा को विशिष्ट अहमियत दी गई है। आपने सदन में सभी भारतीय भाषाओं को आगे बढ़ाने के लिए काम किया। सदन में हमारी सभी 22 शेड्यूल लैंग्वेज में कोई भी माननीय सदस्य बोल सकता है, उसका इंतजाम आपने किया। आपकी ये प्रतिभा, आपकी ये निष्ठा आगे भी सदन के लिए एक गाइड के रूप में हमेशा हमेशा काम करेगी। कैसे संसदीय और शिष्ट तरीके से भाषा की मर्यादा में कोई भी अपनी बात प्रभावी ढंग से कह सकता है, इसके लिए आप प्रेरणापुंज बने रहेंगे।